जहां एक तरफ गौरी उस घने मायावी जंगल में हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी थी, वहीं जंगल की जादुई शक्तियां उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के हिलने तक तो ठीक था, लेकिन सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ों के पत्ते गौरी को कोई संदेश देना चाहते थे। आओ आओ गौरी, आओ, तो तुम यहां चली ही आई। चलो, हमें आज एक नया शिकार मिल गया। इंसान का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। पत्तों से आवाजें आने लगी। तो क्या वो पेड़ सचमुच इंसानों का मांस खाते थे, वे शिकारी पेड़ थे, या ये सब कुछ बस गौरी को डराने के लिए ही किया था? चाहे जो हो, गौरी किसी कीमत पर डरने वाली नहीं थी। आज वो सिर पर कफन बांध कर निकली थी। उसे हर हाल में वो तलवार वापस चाहिए थी। उसने अपने हाथों में टूल बैग रखा, वो खंजर लिया और वो आगे बढ़ने लगी। बहादुरी अपनी जगह थी, लेकिन एक हल्की सी आहट भी गौरी के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। ऐसा नहीं था कि गौरी ने अब तक ऐसे किसी भी मिशन पर काम नहीं किया था, लेकिन आज से पहले हर वक्त उसके साथ बूढ़े बाबा या सिद्धार्थ मौजूद थे। इस मायावी जंगल में उस तलवार को ढूंढना गौरी के लिए सचमुच बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तेज हवा का झोंका आया और एक ही झटके में गौरी को उड़ाकर उसने फिर से उस जंगल के बाहर पटक दिया। गौरी की किस्मत अच्छी थी कि उसे जिन झाड़ियों पर पटका गया था वे कटीली नहीं थी। गौरी को सिर्फ हल्की खरोंचे आई। खड़े होने के बाद वो दोबारा से जंगल में आगे बढ़ने लगी। ये सब क्या हो रहा था? ये कैसा जंगल था? यहां तो हर एक चीज बहुत अजीब थी। यही तो कारण था कि उसे एक मायावी जंगल कहा जाता था। कौन सा जानवर, पक्षी या पेड़ इंसानों की बोली बोलने लगेगा या नरभक्षी होगा, ये कहा नहीं जा सकता था। जब गौरी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो आगे उसके सामने आने वाले मुश्किलों को देखते हुए बूढ़े बाबा ने उसे एक मंगलसूत्र दे दिया था। उन्होंने गौरी को बताया था कि वो मंगलसूत्र बेहद शक्तिशाली है। उस मंगलसूत्र में कुछ अद्भुत शक्ति भी है, और जिन चीजों से उसे बनाया गया था वे भी अपने आप में खास थी, और इसे सिर्फ एक औरत ही अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने उनसे कहा कि वो मंगलसूत्र उसकी रक्षा करेगा। उस मंगलसूत्र में बहुत अद्भुत शक्तियां थी। अभी जैसे तैसे उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक उसका बायां पैर एक दरार में धंस गया। वो लड़खड़ाकर गिर गई, लेकिन ये क्या, उसका पैर तो बुरी तरह से फंस गया था। अभी गौरी का वो पैर दरार में से निकल भी नहीं पाया था कि वहीं थोड़ी दूर पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। कौवे, चील, गिद्ध और दूसरे पक्षी उस धमाके की आवाज की वजह से आवाज करते हुए वहां से उड़ने लगे। अगले ही पल वो दरार अचानक बड़ी होने लगी। गौरी उस दरार के अंदर धंसने लगी। जमीन के अंदर से किसी जानवर के गुस्से से गुर्राने की आवाज आने लगी। शुरुआत में जहां पर उन पेड़ों ने गौरी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब उसके लिए मुसीबत की घड़ी थी। तो क्या जमीन से कोई जानवर निकलकर गौरी को निगलने की कोशिश कर रहा था? वो कैसा धमाका था, और क्या सच में गौरी जमीन में समा जाने वाली थी? गौरी की जान इस हालत में अटकी हुई थी, वो खुद को उस गहरी दरार के अंदर गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथों में सिर्फ उस जमीन के टुकड़े को ही पकड़ रखा था। उसका हाथ कभी भी छूट सकता था, क्योंकि दर्द के मारे अब उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। ना चाहते हुए भी जब उसने नीचे देखने की कोशिश की, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई मगरमच्छ की तरह बड़ा जानवर अपना मुंह बड़ा सा खोलकर उसे नीचे खींच रहा हो। गौरी पसीने से लथपथ हो रही थी, और उसके पसीने की बूंद और गंध उस नीचे वाले जीव को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। इस बार तो हांफते और गुर्राते हुए वो जानवर लगभग गौरी के पैरों तक ही आ गया था। गौरी को लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जोर से नीचे की तरफ से आ रहे उस जानवर को एक लात मार दी। वो जानवर घिसटते हुए उसी तरह से गहराई में चला गया। इसके बाद भी गौरी ने हिम्मत नहीं हारी
और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर से दरार से बाहर जमीन पर आ गई थी। वो वहां निकलकर अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसी दरार से वो बड़ा सा और बहुत अजीब सा दिखने वाला जीव उसके सामने निकलकर हंसने लगा। जिस हिम्मत, ताकत और समझदारी से गौरी ने खुद को उस दरार से बाहर निकाला था, उसकी वजह से वो जीव गौरी से खुश हो गया था। गौरी के देखते ही देखते वो जीव एक सुंदर लड़के में तब्दील हो गया। गौरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मदद करने के लिए जमीन से कोई फरिश्ता निकल आया हो। उसने गौरी से कहा कि वो इस बात को जानता है कि गौरी उस मायावी जंगल में उस शैतान की तलवार को हासिल करने के लिए आई है, लेकिन उस फरिश्ते ने गौरी को जो बताया वो और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ा देने वाला था। उसने गौरी से कहा कि वो शैतान की तलवार उस मायावी जंगल के राजा के पास है, जो कि एक बेताल है। उस बेताल से लड़ पाना और उसे उस तलवार को छीन पाना लगभग नामुमकिन था, और गौरी जैसी एक आम लड़की तो शायद उसे देखकर ही बेहोश हो जाती। गौरी के सामने आए उस फरिश्ते ने गौरी को बताया कि नवरात्र की इन 9 दिनों में संध्या आरती के वक्त वे बुरी ताकतें बहुत कमजोर हो जाती हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो गौरी उस वक्त शायद उस तलवार को हासिल करने की कोशिश कर सकती है। उस फरिश्ते ने गौरी से कहा कि वो जितनी सुंदर है इतनी चालाक भी है, और उसे इन्हें दोनों चीजों का इस्तेमाल करके उस बेताल को अपने वश में करना होगा। जहां तक कि उसे पता है, उस बेताल और उसके साथी लोगों का अंत और मुक्ति भी किसी औरत के हाथों ही लिखी है। सैकड़ों सालों से आज तक किसी भी औरत ने उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की थी। यही वजह से उस फरिश्ते ने पहले गौरी की हिम्मत और ताकत को आजमाना चाहा था। अगर गौरी उस संध्या आरती के वक्त ऐसा करने में कामयाब हो गई तो शायद उसी के हाथों उन लोगों का अंत होने वाला था। गौरी को तो हर हाल में वो तलवार चाहिए थी, और जब उसे एक बार यह बात पता चल गई कि उस बेताल और उसकी फौज की मुक्ति भी किसी औरत के हाथों ही होनी है, तो गौरी की हिम्मत और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दशहरे के पहले ही इस बार बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई देने वाली थी। नवरात्र के पवित्र रातों में शक्ति का आशीर्वाद पाकर गौरी सिद्धार्थ की जान बचाने के लिए उस तलवार को हासिल करने वाली थी, लेकिन जैसा कि गौरी को पता चला था, सब कुछ सुनने में आसान था लेकिन करने में नहीं। अभी तो गौरी की परेशानियों की शुरुआत हुई थी। ये सब कुछ इस एक दिन में ही खत्म नहीं होने वाला था। वो बेताल उस जंगल की ऐसी गहराइयों में रहता था कि उस तक पहुंच पाना नामुमकिन था। गौरी जब वहां से आगे बढ़ी तो उसके आगे पूरी भूल भुलैया थी। जंगल में किसी भी तरफ कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए यह तक भी वो समझ नहीं पा रही थी। सुबह सुबह उस जंगल की तरफ बढ़े जाने के कारण उसने कुछ खाया पिया तक नहीं था। टूल बैग में रखी बोतल का पानी पहले ही खत्म हो चुका था। वो फरिश्ता जिसने उसे ये सब कुछ बताया था, वो उसे इतना बताकर कहीं गायब हो गया था। इसका मतलब साफ था कि आगे का रास्ता उसे खुद ढूंढना और तय करना था। वो अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश करती और घूम फिर कर फिर उसी जगह दोबारा आ जाती जहां पर वो गहरी दरार बनी हुई थी। थकान और प्यास की वजह से उसकी जान निकली जा रही थी। जब थक कर एक चट्टान का सहारा लेकर थोड़ी देर आराम करने लगी तो उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे आगे कहीं कोई जानवर पानी पी रहा है। वो उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगी। अपने हाथों में खंजर लिए लॉन्ग बूट पहने हुए गौरी कंधे पर टूल बैग का बोझ उठाए भारी कदमों से आगे बढ़ रही थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ, सचमुच वहां पर एक पानी का जरिया था। वो छोटे से तालाब की तरह बनी एक झील थी। वीरान गढ़ जैसे इलाके में किसी अनजान जगह पर पानी का मिल जाना एक नया जीवन मिलने की तरह था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भूख, प्यास और थकान ने गौरी को अपना उद्देश्य भुला दिया हो, लेकिन जान है तो जहान है। जब वो खुद ही जिंदा रहेगी तभी तो वो सिद्धार्थ की जान बचा पाएगी। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उस झील की तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले उसे किसी जानवर की भी आवाज सुनाई दी थी जो शायद पानी पी रहा था। तो वो जानवर कहाँ था? इधर उधर से झाड़ियों में थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी। तेज हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। अकेलेपन
और डर की वजह से हर वक्त उसे लग रहा था जैसे सचमुच वहां पर कोई था। तो क्या गौरी का शक बेबुनियाद था? डरने का या और जानवर के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। अगर वो जल्दी ही पानी नहीं पीती तो शायद प्यास से ही वो मर जाती। उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। गौरी उस झील के किनारे पर पहुंची और उसने टूल बैग में रखी उस खाली बोतल को उस झील से पानी भरने के लिए नीचे डुबाया। तो क्या सचमुच गौरी अपनी प्यास बुझा पाएगी? क्या वो सचमुच एक झील थी और वो पानी पीने लायक था? गौरी कब तक उस बेताल के पास पहुंच पाएगी? आखिर वो जानवर जिसकी आवाज गौरी ने सुनी थी वो कहां था? क्या नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर उस बेताल का संहार करके वो तलवार वापस ला पाएगी या इस नवरात्रि में बुराई की जीत हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।